दरवाजा बंद करा ना, क्या फील आई है देखो। अब इसको थोड़ा सा पुल करके दिखाते ना, ये गाड़ी थर्ड या फोर्थ ओनर है ना, ये गाड़ी 6 महीने में जाने वाली। जय श्री राम। आज का ब्लॉग तो ऐसे स्टार्ट होना चाहिए। तो भाई आज है 22 जनवरी एंड हमने देख लो कौन सा कलर पहना है। अयोध्या में तो प्राण प्रतिष्ठा शुरू हो गई है, हमारी सोसाइटी में भी 24 घंटे से पार्ट चल रहा है। एंड अभी हम नीचे जा रहे, पूरा नहा धो के पूरी तैयारी हो चुकी है। अभी ना पहले आरती चल रही है, आरती करेंगे फिर ऐसे ना चक्कर लगा रहे सबको लेके आ रहे नीचे की, आओ सारे सोसाइटी वालों अभी आरती के लिए लेट हो गए, मम्मी डांट रही है मुझे। हमारे यहाँ पूजा संपन्न हुई, प्रसाद मिल चुका है, कचौरिया खाएंगे। ये बच्चे ना मेरे पास कोपचे से आए, कहते भैया पटाखे फोड़ो, क्योंकि मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं फोड़ेगी, दिवाली से ज्यादा आज मुझे एक्साइटमेंट हो रही है पता तुम्हें। राम जी आए हैं तो पार्टी तो होगी, राम जी का नाम लेके अभी और पटाखे दबा के फोड़ेंगे भैया, रुकेंगे नहीं पटाखे। भाई पापा भी नीचे आ चुके हैं, लड़ी जलाओ। नहीं जलानी, ये प्रसाद। क्यों नहीं जलानी, ऐसे कैसे नहीं जलानी, आज तो जलेगी। बस हो गया बहुत ज्यादा। मेरी आंख में ना वो इतना ऊपर देख रहा है, स्काई शॉट का थोड़ा चूरा चला गया था। आज का दिन थोड़ा सा स्पेशल है। ओए ओए, इतना स्पेशल ब्रेकफास्ट क्या बना है? हल्दी दाल का चीला। दाल का चीला, ओए मजा आ गया भाई। अब हम चाय पीने आ चुके हैं एंड आज का दिन ना कैसा लग रहा है? अच्छी अच्छी वाइब्स आ रही है ना। सुबह तो अलग ही माहौल था। शुभ संगीत देखे, सारे मेरे को मैसेजेस कर रहे, कांग्रेचुलेशंस, आपने रामायण का पार्ट रखा है, करण की शादी है, ये कहा हो गया? ये शुभ संकेत। कोई संकेत नहीं है, ये 500 साल की तपस्या भी आज पूरी हुई है। आप भी 500 साल तक तपस्या करो तब आपको हम शादी वाला पार्ट करवाएंगे। जो हमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परचेज करी है उसका हम कब बता सकते हैं? जो आपकी मर्जी है, परचेज आपने कर लिया है, आप बताएं जो आपने बताया। थोड़े से पैसे रह गए अभी, कौन सा पूरे दिए? अच्छा मेरे को एक तुम्हारे सवाल, कल वो अपना वीडियो मेरा वो एप्लीकेशन दिखा के छोड़ दिया, अडल्ट ऐप क्या तुमने? पापा कुछ यूज कर रहे थे मैंने, नहीं तो उसको कम्प्लीट तो कर लेते कि नहीं मेरे पापा शरीफ है, मेरे पापा शरीफ है। पिछला व्लॉग में अगर ये व्लॉग खत्म होने के बाद देखना, 60 साल में देख रहे कि इंडियन अडल्ट डेटिंग ऐप कौन सी है। एक काम कर दो, इस ब्लॉग के एंड में फिर से लगा दूंगा, देख लेना यार। तो मेरी बेइज्जती मत। ऐसी ऐसी चीजें निकलती हैं इनकी जेब से। अभी देखो माउथ फ्रेशनर स्प्रे में, जिंदगी में कभी नहीं देखा आपको ये वो रखते से पता है ना, स्प्रे मारते लड़के अपने मुंह में। क्यों रखा है ये पूछो कहानी? 30 साल में पहली बार देखा है, मैंने भी पहली बार देखा, ये जवानी भी हम पहली बार देख रहे हैं। बड़े दिनों बाद हम स्कॉर्पियो चलाने वाले हैं। अब आप में से काफी लोग पूछ रहे थे स्कॉर्पियो ठीक हुई है नहीं हुई, भाई नहीं ठीक कराई, आज मैं फाइनली जा रहा हूं उसको ठीक कराने। बहुत जल्द स्कॉर्पियो भी जाने वाली है, मेरा मन तो नहीं करेगा इसको भेजने का, बट ठीक है। ये व्लॉग हम अगले दिन कंटिन्यू कर रहे हैं, कल ना मैं ज्यादा व्लॉग कर नहीं पाया बिकॉज एक तो सेलिब्रेशन का माहौल इतना तगड़ा, ऑनेस्टली बताऊं मुझे तो लगता भी नहीं हमने दिवाली पे इतना एंजॉय करा होगा और इतना अच्छा माहौल बना होगा जितना 22 जनवरी को बना हुआ था। शाम को तो ऐसा था कि सारी फैमिली साथ बैठी हुई थी एंड अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव माहौल था। अब जो लोग इसको खराब करना चाह रहे हैं, पॉलिटिक्स बनाना चाह रहे थे ऑनलाइन ऑफलाइन, वो हमें थोड़ा सा गलत लगा। 500 साल लोगों ने इंतजार करा है तो जो वो खुशी थी ना उसे तो पूरा एंजॉय करने, तो हमने ना कल कोशिश भी करेगी फोटोज मिल जाए क्योंकि 1995 पापा की पोस्टिंग अयोध्या में थी। अपनी फेवरेट जगह आ चुके हैं महिंद्रा एंड हमने बोल दिया भैया बाहर ही आ जाओ, लेट हो गए हैं, बस गाड़ी चेक करानी है। भाई ये तो बहुत ही ज्यादा आवाज आ रही है, ब्रेक पैड खत्म हो गए। इसके ब्रेक पैड खत्म हो गए, लिमिट होती थी हाथ तक होती है ना, ये वाली जो पत्ती होती है ये टच करते जिसके कारण आवाज आ रही था। आपको ना कंपैरिजन दिखाता हूं पुराने ब्रेक पैड में और नए ब्रेक पैड में डिफरेंस। नए वाला ब्रेक पैड इतना आता है और अब पुराना वाला देख लो खत्म ही हो गया। भाई ब्रेक पैड भी चीखे मार रहा था कि बदल ले मुझे, ठीक है 4-4.5 का खर्चा है। रात के 8 बज रहे हैं, वैसे तो मुझे सुबह से पता था, कंट्रोल कर रहा था, स्पेशल चीज के लिए जा रहे हैं, 1.5 घंटे का रास्ता है। फर्स्ट टाइम इन यूट्यूब इंडिया होने वाला ये, और नकली नुकली नहीं असली, ये देखो लड़ाई कर रहे हैं। अबे जब भारी तो खड़े हैं ऐसे बात करता है, मेरा फोन छोड़, ऐसे बात कर रहा फोन। मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो देखो मैंने कुछ नहीं खा रखा था सुबह से, तो मैंने फाइनली अपना कुछ खाना ऑर्डर कर लिया रात को 7:30। जब मैं फास्टिंग कर रहा हूँ ज्यादा ही हो रही है, 15-16 घंटे बिना खाने के, 16 घंटे बिना खाने के रहे। भाई झूठ बोल रहा है ये आदमी, 1 मिनट में रह सके। देखे मैंने तेरे ब्लॉग, बहुत एटीट्यूड दिखाता है ना तू लोगों को, एक घंटे की ड्राइव है, खाना खा लेता मैं जेल लूंगा भाई। यार मैं आदत हो गई है मुझे टाइम से आने की, बहुत बिल्कुल टाइम पे है भाई। अच्छा मतलब अभी भी पिज्जा खत्म किया हमने, कभी भाई का फोन आएगा ना, मैं दो गाड़ी ले रहे हैं।
है एक जी वैगन और एक आर वैगन, वैगन आर उसमें तो मुझे बिठा लेना, बिठा लेना। 8 बजे बोला था, बोला तो कुछ नहीं। देखो मैं हूँ बंदा जो ड्राइवर के साथ आता है, मेरा ड्राइवर लेट हो गया। कहते हैं ना बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए मेहनत करनी पड़ती है, हमने करी है 3 फ्लोर चढ़ने की। और एक्चुअल मेहनत तो फिर अभी दिखाते फिर बताते हैं। मोटिवेशन गया भाई, देख लो कहाँ पहुँच गए हम, क्या व्यू आ रहा है अभी। तो जो दिखाने वाले हैं वो है भाई चीज इसके अंदर, गिफ्ट रैप हो चुका है जिस चीज का इंतजार कर रहे थे सब यूट्यूब इंडिया में। विकास भाई ना 6 महीने वाली, ना 1 साल वाली, ब्रांड न्यू पन्नी फाड़, ना 4th ओनर 5th ओनर भाई, ये है भाई ब्रांड न्यू। गंदी भाई क्या हुआ, बर्फ है क्या, मतलब निकाल देता हूँ। क्या कर रहे यार, अंदर डाल दिया बर्फ। मिर्गी पड़ी। रेडी हो चुके हैं, किस चीज की डिलीवरी हो रही है जी? वैगन जी, वैगन जी, वैगन जी, वैगन। गाना सुना ही होगा आप लोग, ये सुना तो अभी दिखा देंगे। इस साल के पहले सरप्राइज के अनबॉक्स भाई, तेरी ऑडियंस बहुत बोलती है कब लोगे डिलीवरी। तरपाल तरपाल कमेंट करके बता दो क्या लग रहा है, कौन सी गाड़ी। इंटीरियर दिखाते हैं, सो ये है G400D। ये आवाज सुनो, ओए हो भाई साहब, सो भाई फर्स्ट एंट्री, ओए होए गाइस, ये है जी, इतनी ज्यादा प्यारी लग रही है भाई। दरवाजा बंद करने का साउंड सुनो, ऐसी कुछ ऑन करी है हमने, ओए कैसे लग रही है सर भाई, नेक्स्ट लेवल, क्या ज्यादा प्रीमियम लग रही है भाई। देख गलतियां निकालनी पहले शुरू कर दो तुम, पूछ रहा हूं ना मैं तो, होगी भाई थोड़ी सी रिक्लाइन नहीं हो रही, पता है बैठते ही गलतियां निकालने लग गए कि डिफेंडर ऐसी है डिफेंडर वैसी है। अच्छा भाई, पुरानी वाली अनकंफर्टेबल होती थी, नई वाली बहुत कंफर्टेबल है, पीछे बहुत कंफर्टेबल है यार, स्पेस भी बहुत है। अच्छा लग रहा है, करंट साइकिल ऐसे जब जी वैगन की लेगा ना फिर पीछे बैठेगा, फील आएगी। ये 400D ना उनके लिए जिनको ज्यादा एक्सट्रीम 6300 वाली परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, सेम आपको फीचर्स मिलते हैं, 31 स्पीकर सराउंड साउंड मिलता है बमिस्टर का, मतलब यहाँ पे स्पीकर वहाँ स्पीकर ये स्पीकर, इसमें ना डिफरेंशियल लॉक्स भी लगे हुए हैं ताकि आप ऑफ रोड बढ़िया जा सकते हो इसमें। अब मैं कहना चाहूंगा इससे पहले कमेंट आ जाए, हाँ? साले कितनी गाड़ियों की डिलीवरी अटेंड करेगा, ये आखिरी गाड़ी की डिलीवरी हम ले रहे हैं। आदमी ने इतनी गाड़ी परख लिया या पसंद नहीं आ रही है भाई, इतनी ट्राई ले लिया, जो पसंद आ रही है उसकी डिलीवरी ले रहे हैं। ऑनेस्ट बोलूं इसको ये भी पसंद नहीं है, कोई बात नहीं ये वाली दिलवा ना, ये गाड़ी 3rd या 4th ओनर है ना, ये गाड़ी 6 महीने में जाने वाली है, ये हमने ली है जी वैगन और ये रहेगी एंड ये पूरी कलेक्शन में एड हो गई है और काम। चलो मोटिवेशन के लिए ना आप लोगों को, जब आपके साथ ना बुरा वक्त होगा अगर आप ना अच्छी गाड़ी में जाओगे ना तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। ये है पर उसके लिए पैसा भी होना चाहिए, नहीं देखो अगर है तो ले, वो मोटिवेशन लेके आओ अपनी लाइफ में। अगर आपको कुछ होता है और आप ऑल्टो में जा रहे हो और यही आप फरारी में जा रहे हो तो कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा लड़ने का और पैसा भी अलग लेवल का चाहिए। भाई पैसा कमाया होगा तभी तो कॉन्फिडेंस आएंगे, पहले पैसा कमाएंगे फिर लड़ेंगे। पहला स्टार्ट है तो सब बोलेंगे भाई राम राम, जय सियाराम, जय सियाराम। G63 में ये होता है कि इंजन बड़ा है बट बाकी गाड़ी सेम है, इसके एग्जॉस्ट टिप्स आपको पीछे मिलेंगे। क्या LC यार, आप ये लो यार, नहीं यार LC के पीछे जाऊंगा ऐसा अच्छा नहीं लगा, जी वैगन के पीछे जाता अच्छा लग रहा है यार, उसको भाई बैठने में ही फील आ रही है नेक्स्ट लेवल। और सामने तो मतलब इतना ज्यादा सेक्सी, हर बार की तरह करण ने चलाई है, मैंने चलाई है, रेंज ओवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, बस ठीक है जी वैगन भाई। अभी मैंने दरवाजा बंद करा ना, क्या फील आई है देखो, ओए यही सिक्योरिटी जिंदगी में चाहिए। चलो भैया खोल दो गाइस, ओए होए होए, इसको अभी हम नॉर्मल पे ही चलाएंगे, नो स्पोर्ट मोड फॉर नाउ। ये देखो यार, ओए होए बहुत अच्छा है सस्पेंशन, इसको थोड़ा वो हो जाएगा, इसको स्पोर्ट में स्पोर्ट पे डालते हैं अभी 5 सेकंड पहले याद आ गया, नॉर्मल चलाएंगे आराम। और ऊपर एक और होता है प्लस, अच्छा नहीं 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 स्पोर्ट प्लस इसमें नहीं है गाइस, स्पोर्ट पे डाल दिया है। अरे 400D लोग वो लेते हैं जिनको एकदम सुकून की ड्राइविंग चाहिए, डीजल इंजन पता नहीं चलेगा, मजा रिएक्शन बढ़िया मिल रहा है। हाँ सब देख रहे हैं, देख लो मेरी जी वैगन। सौरभ भाई मुझे एक अच्छी बात बता रहे थे कि अगर 3-4 साल बाद भी इसको बेचोगे कंपनी खुद बाय बाइक लेती है एट अ वेरी गुड प्राइस जो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हमें भी दिलवा दो, मैं तो भूल ही रहा हूं। आ रही है हमारी गाइस लेस देन 30 डेज। स्टीयरिंग काफी ज्यादा स्मूथ और लाइट है,
एकदम परफेक्ट। अब इसको थोड़ा सा पुल करके दिखाते हैं। ओए होए होए, कसम से अगर मुझे कोई नहीं बताएगा ना डीजल है, मुझे नहीं पता चलेगा, इतना ज्यादा स्मूथ है इंजन। नहीं फील तो नहीं आ रहा भाई डीजल वाला, बहुत प्यारा, ब्यूटीफुल। बेस्ट पार्ट पता है क्या, रोड नॉइज बिल्कुल जीरो है, कैबिन एब्सोल्युटली साइलेंट। कसम से बैठा हो ना पता चल रहा है किसी गाड़ी में बैठा हो। ये लग रही है एसयूवी, रियल एसयूवी। लोग कहते हैं कि आप ये क्यों ले रहे हो, थार क्यों नहीं ले रहे? हां जिम्नी वैसा क्यों नहीं कर, इतने लोगों ने तो भाई आप देखो इनने जिमनी भी ले रखी है, दोनों को साइड बाय साइड कंपैरिजन कराएंगे तब पता चल जाएगा। भाई लाइटिंग भी अच्छी है BMW लाइटिंग के हिसाब से, तो ओए इसके हिसाब भाई क्या कसम से। ई क्लास में जो मैंने मिस करा था ना ड्राइविंग एक्सपीरियंस, मुझे ऐसा लगता था मैं ड्राइवर हूँ, मतलब वो भी बहुत अच्छी गाड़ी है, पीछे मैं बैठा नहीं कभी उसमें ना। और ये भी मुझे कह रहे हैं ऐसी गाड़ी ले जो तुझे भी चलाने में मजा आए, है ना भाई। शोर नहीं करा ताकि आप सुन सको मधुर संगीत जो हमें सुन। भाई हम पहुंच चुके हैं एरो सिटी, क्योंकि हमारे एक बहुत खास मित्र, मेरा बेस्ट फ्रेंड आया हुआ है धीरेन, वो कनाडा निकल रहा है कल, एंड भाई का बर्थडे भी है। पिछली बार भी वो कनाडा जाने से पहले दिल्ली रुका था और अब उसका बर्थडे था। गाइस बर्थडे बॉय, हेलो हाउ आर यू, देखो बर्थडे मनाने दिल्ली आ गए, ये भी देखो बर्थडे सेलिब्रेट करने आए। हेलो, किसी गाड़ी में रीस्टार्ट मार रहा था भाई, गाड़ी छोड़ के गया, किसी गाड़ी बंद हो गई। इसको एक काम दिया था कि गाड़ी स्टार्ट करते रहना हर दूसरे तीसरे दिन। जिस दिन मैंने आना, एक दिन पहले मैंने इसको कॉल किया, भाई गाड़ी भेज देना, कहता भाई गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। फिर मैंने जम केबल से गाड़ी स्टार्ट करी। कुछ दिन रह गए, वैसे जो अगला व्लॉग है ना वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल स्पेशल, बहुत सारे इमोशंस होने वाले हैं आप लोगों के लिए। छोटा सा सरप्राइज, छोटा क्या, मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा चीज होने वाली है, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है। अपनी केएस सभी ना प्राउड होगी, ऐसा सपना था जो कभी नहीं लगा था मुझे इतनी जल्दी हो पाएगा और वो हो पाया। एंड फाइनली हम अनाउंस कर देंगे, इतने महीने तक अपने पेट में रखा हुआ था, बहुत टाइम से काम चल रहा था, 6 महीने से रिसर्च चल रही थी और मैं बस दबा के रख रहा था कि अब हो जाए, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था। एंड वो कहते हैं ना हर चीज अपने सही टाइम पे होती है और वही हुआ है। अगले व्लॉग में पता चल जाएगा, आप लोगों को जरूर देखना, समझ जाओ। जब मैंने ना चीजें डिले करी है बट जब भी चीज आई है आप लोगों को रीजन बताया है, इन सब चीजों को भी रीजन बताऊंगा, देन हम करेंगे आज का व्लॉग एंड। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑन, उससे आप लोग पता चल नेक्स्ट व्लॉग देख, और नेक्स्ट व्लॉग देखना बहुत जरूरी है आप लोग के लिए।